दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल साइकोलॉजी सिंप्लीफाइड में। ये करियर काउंसलिंग सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। जो पहली हमने डाली थी वो अपने माता पिता पेरेंट्स के लिहाज से ज़रूरी थी, और ये वीडियो कृपया स्टूडेंट्स छात्र जरूर देखें ताकि उनको और अधिक से अधिक जानकारी जुटा लें पहले कि करियर काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि करियर काउंसलिंग एक प्रोफेशनल हेल्प है, एक व्यक्ति को दिया जाता है अपने सही करियर के चुनाव में। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी है उसका डाटा कलेक्ट करके, उनको कॉलेट करके, कॉलेट मतलब अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ रखकर, और इवेल्युएट करें कि वो अपने जो हमारा क्लाइंट है, जो स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है और उसकी पर्सनालिटी का डाटा किस प्रकार से मैच हो रहा है। उन दोनों को लेके जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। अब आइए हम बात करते हैं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से कि उन्हें करियर काउंसलिंग की ज़रूरत कब पड़ेगी या कब पड़ती है। जब विद्यार्थी को ऐसा लगे, स्टूडेंट को ऐसा लगे कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अपने जीवन में करना क्या चाहता हूँ, दूसरा हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस विषय को पढ़ूँ, यानी कि छात्र जो है सभी विषयों में अच्छा परफॉर्म करता है या एवरेज परफॉर्म करता है, बट उसको अपना एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट का कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है, तब उसे करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपना पूरा करियर ऑप्शंस को नैरो डाउन कर दिया, मतलब लिख लिया कि भैया मुझे यही काम करना है, लेकिन अब उन कामों के बीच में से चुनाव नहीं कर पा रहा है। अगर कोई छात्र है जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है लेकिन इंजीनियरिंग के किस सब ब्रांच में जाना है उसको, तो वो जो दुविधा है वो दूर हो सकती है करियर काउंसलिंग के माध्यम से। अब बेसिक गलतियां क्या करते हैं जब हम करियर का चुनाव करते हैं उसके बारे में जानते हैं, तो हमने या ऐसा प्रोफेशन या ऐसा स्ट्रीम चुना जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट के ऊपर अगर कोई दबाव है प्रोफेशनल या स्ट्रीम चुनाव का, अगर 10वीं के बाद बच्चे ने पास 10वीं पास कर ली है और पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें साइंस ही पढ़ना होगा, ये हमारा मतलब कई लोग अपने परिवार के प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं कि ये आर्ट्स और कॉमर्स इनका कुछ वजूद नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो जो प्रोफेशनल और स्ट्रीम सिलेक्शन है अगर दबाव में करेंगे तो सबसे बड़ी गलती रहती है जो आगे चल के बहुत भारी पड़ती है, तो जिसको हम पेरेंटल प्रेशर का नाम भी दे सकते हैं कि पेरेंट्स का दबाव के कारण स्टूडेंट ने अपना प्रोफेशन या स्ट्रीम को चुना। दूसरा हो गया कि ये बहुत ही कॉमन है कि जो स्टूडेंट अपने दोस्तों के हिसाब से अपना स्ट्रीम चुन लेते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसने उसको हम उसने साइंस चुना है तो हम भी साइंस ही पढ़ेंगे, उसने कॉमर्स लिया तो हम भी कॉमर्स पढ़ें, ऐसा बिल्कुल भी दबाव मत आइए, इसको पीयर प्रेशर कहा गया है। टू फॉलो द क्राउड, यानी कि जो भीड़ चाल जिसको हम कहते हैं कि अगर भीड़ का अभी जमाना है, कंप्यूटर कंप्यूटर सब लोग कहेंगे तो हमें कंप्यूटर में जाना चाहिए, कोडिंग जैसे आप लोगों ने जाना है कि अभी कोडिंग का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ था तो हम उसको फॉलो करेंगे, तो कोई एक ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर एक मतलब आइडियोलॉजी में घुसना चाहता है कि ये फील्ड जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने में कोई समझदारी नहीं है। अब जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग, अगर लैक ऑफ नॉलेज है कि हम केवल हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं और हमको अदर करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है और जो झुकाव हमारा केवल उसी तरफ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया के सभी विद्यार्थी केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बने हैं। अगर ऐसा होता तो जो आज अपने डिफरेंट करियर ऑप्शंस में जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं वो ना होते। तो इंक्लिनेशन का मतलब हुआ कि झुकाव, जो हम केवल जानते हैं उसकी तरफ झुकाव होना भी एक बहुत बेसिक गलती है जब स्टूडेंट जो है अपने करियर का चुनाव करते हैं। अब इसके लिए भी लोग होते हैं कि जैसे पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ जॉब अब्रॉड, अब विदेश में कोई नौकरी मिलनी है उसके हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर हम ये पढ़ेंगे तो इस कंट्री में हमको जॉब मिल जाएगी, तो ये भी एक बेसिक एरर में काउंट होता है। और अगर हमारा कोई कॉन्टैक्ट है किसी में कि अगर हम ये पढ़ लें तो हमारे हमें जॉब लग जाएगी, तो ये सब इन सब बातों का ध्यान रखना है कि ये सब गलतियाँ ना करें, और वैसी पढ़ाई करना कि जिसके लिए तुम आपको केवल गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ाई करना, ये भी एक बेसिक एरर में काउंट होता है।
मीडिया इन्फ्लुएंसेस, मीडिया के प्रभाव में आके, अगर मीडिया में ट्रेंड में चल रहा है कि ये जो मान लीजिए कोई स्पेसिफिक उदाहरण की बात करते हैं कि जैसे मान लो मीडिया में कोई बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है कि ये करियर ऑप्शंस है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमने बहुत बार देखा इन्फ्लुएंस हो गए सोशल मीडिया से, न्यूज़ से, तो हम उसकी तरफ हमारा झुकाव हो जाए, तो इसमें क्या हुआ, हम बाहरी वातावरण को देख के अपना करियर चुन रहे हैं, जबकि हमें करना क्या है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इमेज, अपना स्किल सेट, उन सबको ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव करना है। ये हम एक डायग्राम देखते हैं, ये जिसको नाम दिया है करियर गाइडेंस फ्रेमवर्क, मतलब कैसे ये पूरा काम होता है। परफेक्ट करियर की परिभाषा देखें तो राइट एबिलिटी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, आपकी मतलब एबिलिटी भी है और आपकी रुचि भी है और जो आप करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए, और अपॉर्चुनिटी अवसर भी होने चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी है, बहुत रुचि है, आप उस काम को पसंद करते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो परफेक्ट करियर नहीं कहलाएगा। तो इस डायग्राम में देखिए, तो परफेक्ट करियर कैसे होता है कि ये आपने सामने डायग्राम देखा है, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इंटरेस्ट, इन तीनों का जो सेंटर में, इन तीनों का जो समावेश है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें कॉमन मिलें, वो हमारा परफेक्ट करियर हो सकता है। आप देख सकते हैं जैसे एबिलिटी यानी आपकी अपनी क्षमता, अपॉर्चुनिटी कितना अवसर है उस चीज़ को करने के लिए, तो तीसरा हो गया इंटरेस्ट, आपकी रुचि कितनी है। अगर तीनों बहुत ही अच्छी है तो ये तीनों जिस भी प्रोफेशन में हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा परफेक्ट करियर होगा। तो एबिलिटी दोबारा देखें तो स्टफ़ यू आर गुड एट डूइंग, यानी कि हम जो काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उस काम को करने के हमें उस काम को करने के लिए अवसर हों और लोग हमें पे करने को तैयार भी हों। तीसरा है कि आप जो काम को पसंद करते हैं। तो करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कृपया इसको बहुत ध्यान से देखें। इसमें आपको एक साइकिल दिख रहा होगा, टॉप पे लिखा है डिस्कवरिंग योर सेल्फ। नंबर एक, अपने आप को जानना, हम पहले भी बात कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में भी कि अपने आप को जानना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली पहला स्टेप है कि आप अपने करियर को जाने कैसे। दूसरा हो गया एक्सप्लोरिंग ऑप्शन, हम मैं उदाहरण के लिए मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरा कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत अच्छा है, मैं एनालाइज चीज़ों को अच्छा कर लेता हूँ, मान लिया तो, लेकिन अब मुझे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने होंगे कि इस क्वालिटी के साथ कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ। तीसरा, ऑप्शंस हमने जान लिया, अब हमें एक फैसला लेना होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं और ये आपको एक पसंद आता है अपनी काबिलियत के हिसाब से, तो हमने एक फैसला लिया। फैसला लेने से अगर सब काम हो जाता है इस दुनिया में तो फिर सब फैसले लेके काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं, वी हैव टू टेक एक्शंस। जब तक हम अपने थॉट, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते हैं तब तक वो केवल एक थॉट रह जाता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो हमने चौथे स्टेप में एक्शन लेना है और इवेल्युएटिंग द डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रह गई हो कि हमने जो फैसला लिया था वो कहीं ना कहीं हमसे गलती होगी, तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो फैसला हमने लिया वो सही था, गलत था, या हमको दूसरा अपना डिसीजन चेंज करना है या हमको इसमें और अपग्रेड करना है। तो ये पांचवा स्टेप जो है अपने डिसीजन को इवेलुएट करने के लिए कि हमने क्या सोचा था और हम कहाँ पहुँच गए। तो डिस्कवरिंग योर सेल्फ में जैसे स्किल, इंटरेस्ट, रुचि, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें होंगी, हमने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए और फैसला लिया, हमने अपने इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी, स्किल के हिसाब से एक प्लान, गोल बनाया और फिर हमने एक्शन लिया। एक्शन में क्या आया, राइट स्ट्रीम, सही स्ट्रीम का चुनाव किया। स्ट्रीम से आप यहाँ समझिए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि करियर डिसीजन है इवॉल्विंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक बार कोई चीज़ हमने सोच ली, कर ली तो हमारा करियर बन गया। इवॉल्विंग प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि समय के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के डिमांड के हिसाब से आपको अमेंड करना पड़ेगा। आप आज किसी एक लेवल पे हैं लेकिन उसका थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आया मार्केट में या डिमांड में, तो आपको अपने फैसलों को थोड़ा सा अपग्रेड करके, अपने आप को अपस्किल करके उस फील्ड में उतरना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि अगला स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। डिस्कवरिंग योर सेल्फ में दो पार्ट होते हैं, देखिए, एक विद्यार्थी के तरफ से, एक काउंसलर की तरफ से। जो विद्यार्थी से एक्सपेक्ट किया जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो अपना स्किल, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी किसी टेस्ट के माध्यम से, जैसे ऊपर लिखा हुआ है करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दे करके वो इन तीनों को जान सकता है, और काउंसलर एडिट के काउंसलर के सपोर्ट से वो अपने गोल्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन को इवेलुएट, कॉलेट करके
उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। डिस्कवरिंग योरसेल्फ में देखिए, ये सुनने में तो बहुत मतलब आपको कॉमन लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें यार सुनी सुनाई हैं, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड इसके लिए सब चीज़ें, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को तो आपको एक बेहतर जानकारी मिल सकती है। पहली चीज़ है इंटरेस्ट, जिसको रुचि कहते हैं। हम अगर यही आइडेंटिफाई कर लेंगे वास्तव में हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और जो हमारा इंटरेस्ट है, क्या हम उस काम को करके अपने वर्क प्लेस पर खुश रहेंगे। उदाहरण के लिए हम अट्रैक्ट होके, मान लीजिए मैंने अट्रैक्ट होके कोई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया जिसमें कॉल करना है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हो सकता है कि महीने 2 महीने के बाद वो सही रुचि नहीं थी मेरी, आइडेंटिफिकेशन में गलती हुई और मैं उस काम में अब मैं बोर होने लग गया हूँ। तो बोर्डम ही एक निशानी है कि आपकी उस काम में रुचि नहीं, उसी में नहीं किसी भी काम में अगर आपकी रुचि है तो आप बोर नहीं होंगे। दूसरा स्किल एप्टीट्यूड है, ये जैसे कि लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है शब्दों को लेकर अच्छा खेल सकता है, नंबर्स में कोई बेटर है, कोई म्यूजिक अच्छा प्ले करता है, तो अलग अलग स्किल एप्टीट्यूड है, उसको जानना बेहद आवश्यक है। पर्सनालिटी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, अगर हम छोटे में बोलें तो कोई भी दो लोग इस दुनिया में सेम नहीं है। उदाहरण के लिए कोई चुप रहता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई ज़्यादा रिस्क लेता है, कोई डिसीजन फैसलों को लेने में ज़्यादा तेज है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर पर्सनालिटी का निर्माण करती है। तो अंत में हम आते हैं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग, आप प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये जानना है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ अपने करियर के चुनाव में, तो कृपया आप कमेंट करिए इस वीडियो में, जितने कमेंट करेंगे, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ सकते हैं या अपना ईमेल आईडी, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों का जवाब दे सकूँ। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।